दो। अब हम बोधा के कुछ छंदों की, उनके काव्य के कुछ छंदों की व्याख्या करते हैं। यह बोधा यानी बुद्धिसेन, उनकी रचना इश्कनामा पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो उसमें से कुछ छंद जिसको आप समझ सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध, बोधा की काव्य पहचान बनाने वाला पहला छंद है। अति छीन मृणाल के तार हुते ते ही ऊपर पाँव दे आवनो है, सुई बेह ते द्वार सकीन तहाँ पर तीति को टाड़ो लदावनो है। कवि बोधा अनी घनी नेज हुते चढ़ी तापे न चित्त डरावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो जो प्रेम का पथ है, मार्ग है, वो तलवार की धार पर दौड़ने का काम है। जो जवां मर्द है, जो इस स्थिति का सामना कर सकता है, वही इस पथ पर आगे आए। तो क्या कहते हैं, अति छीन मृणाल के तारा हूं। तो मृणाल कमल की जो डंडी होती है, जिसको हम कमल ककड़ी भी कहते हैं। आपने देखा हो कि कमल तो जल के कीचड़ के ऊपर भी होता है, लेकिन उसकी जो नाल है वो नीचे पानी में, तलहटी में जाती है। उसको कुछ लोग सब्जी के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं, कमल ककड़ी उसको कहा जाता है। जब उसे तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत पतले पतले धागे निकलते हैं, आपने देखा होगा, भी नहीं देखा तो देख सकेंगे। अति छीन मृणाल के तारा होते ते ही ऊपर पाँव दे आवनो है। ये जो प्रेम का पंथ है ना, ये मृणाल की क्षीण तारों से भी छीन है, उससे भी बारीक है। उस पर संतुलन, अनुशासन ये बनाते हुए पाँव रख कर आना है। तो कैसी सुंदर कल्पना कभी करता है, और प्रेम के पथ को, कितना साधना को कितनी चुनौती भरी मानता है। अति छीन मृणाल के तार होते ते ऊपर पाँव दे आवनो है, सुई बेह ते द्वार सकीन तहाँ। और सुई का जो, सुई धागा होता है, सुई का जो छेद होता है, उस छेद में से अपने को निकालने में जो समर्थ हो, सक्षम हो, वही इस पथ पर आए। सुई बेह ते द्वार सकीन तहाँ परतीति को टाड़ो लता बनो है। वही व्यक्ति प्रेम की इस गठरी को, इस टाड़े को, इस टोकरे को उठाने का साहस करे, हिम्मत करे, जो सुई के छेद में से अपने को निकालने की क्षमता रख देता हो, इतना क्षीण हो जाए अपने को, इतना, जो कबीर भी कहते हैं ना कि मैं करता मैं रहा, मुझ में रही न मैं, और ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे जो ही घर में जाए। तो वही कह रहे हैं कि सुई बेह ते द्वार सकीन तहाँ पर तीति को टाड़ो लदावनो है, कभी बोधा अनी घनी नेजह होते। या फिर नेजो यानी भाले की बहुत तीखी पैनी नोक पर जो खड़े होने का, चढ़कर आगे बढ़ने का साहस कर सकता है। चढ़ी ताप है ना चित्त डरावनो है, उसकी नोक पर खड़े होकर जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता हो और उसका चित्त डरता ना हो, भयभीत ना हो, वही प्रेम के इस पथ पर आगे आने की हिम्मत या विचार कर सकता है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। ये प्रेम का जो पंथ है, रास्ता है, ये बहुत कठोर है, बड़ा कठिन है, ये तलवार की धार पर चलने के समान है। इसलिए सबके बस का काम प्रेम के पथ पर चलना, निर्वाह करना नहीं है। फिर दूसरा छंद है, बिछुरे दर्द न होत खर सूकर कूकरन को। ये जो नाम गिनवाए, खर यानी गधा, कूकर यानी सूकर यानी सूअर, और कूकर यानी कुत्ता, ये वो जीव हैं, जानवर हैं, जिन्हें प्रेम की, संबंधों की अनुभूति होती ही नहीं है। मिलन और बिछड़ने का कोई बोध ही नहीं होता। तो बिछड़े दर्द न हो, किसी से बिछड़ जाएं, अपने से, परिवार से, बच्चे से, माँ से, पत्नी से, कोई डर, कोई पीड़ा, कोई वेदना नहीं होती। खर सूकर कूकरन को, हंस मयूर कपोत, जबकि इनके विपरीत हंस पक्षी, मोर और कपोत, कपोत माने कबूतर, सुघड़ नरन बिछुरन कठिन। और चौथा सुघड़ नर, जो वास्तव में जिसके पास मनुष्य के, मानवता के गुण है, इन चारों को बिछड़ना बहुत त्रासद होता है, कष्टकारक होता है। ये
खर यानी गधे सुअर और कुत्ते की तरह नहीं होते, इनकी अपनी अनुभूति का एक लोक होता है। तो ये बोधा की जो चेतना है वो लोक दृष्टि है, लोक जीवन को कितनी गंभीरता गहनता के साथ मनोविज्ञान के साथ कवि अध्ययन करता है। अब एक और छंद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक की लाज और सोच प्रलोक को बारी ये प्रीति के ऊपर दो। लोक की लज्जा, प्रेम करने वाले समाज से डरते हैं ना, तो लोक की लाज और सोच प्रलोक को, इस लोक की चिंता और उस लोक की चिंता दोनों को वारिये न्योछावर कीजिए, प्रीति के ऊपर दो। जिससे प्रेम किया है उस पर ये लोक की लज्जा भी मर्यादा भी जो भी कुछ है परलोक की चिंता भी, इसको मैं वार देता हूँ न्योछावर करता हूँ, मैं उसकी परवाह उसकी चिंता नहीं करता। गांव के गेह के देह के नातों, गांव का नाता रिश्ता, गेह को घर का नाता रिश्ता, और देह का शरीर का नाता रिश्ता, ये सारे स्नेह में हाथों करे पुनिसो, प्रेम के क्षेत्र में इन सब की कोई भूमिका कोई स्थान नहीं रहता। यदि प्रेम किया है तो न तो गांव न घर न शरीर के नाते रिश्ते सगे संबंधी, इन सब का कोई स्थान फिर प्रेम में नहीं रहता। बोधा सुनीति निवाह करे, बोधा कहते हैं कि जो सुंदर नीति का निर्वाह कर सकता है प्रेम के भावों की सात्विक अभिव्यक्ति और अनुभूति जिसके पास होती है, धर ऊपर जाके नहीं सिर हो, और जो अपने धड़ के ऊपर सर न रहने से भी भयभीत ना हो, उसकी चिंता ना करे, वही जो अभी हमने चर्चा की, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे तो ही घर में जाए। तो जिसे इस प्रेम के पथ पर, इस भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है तो उसे अपने शरीर के ऊपर से धड़ के ऊपर से सर कटने की चिंता नहीं होनी चाहिए। बोधा सुनीति निवाह करे, धर ऊपर जाके नहीं सिर हो, लोक की भीति डेरात जो मीत, और जो लोक की रीति से डर जाते हैं, लोक के नियमों से कानून से जो भयभीत हो जाते हैं, तो प्रीति के पेड़ परे जनिको, उनको मेरी सलाह है सुझाव है कि वो प्रेम के पथ पर आगे न बढ़े, जहाँ हैं वहीं रुक जाए या वहाँ से लौट जाए, क्योंकि इस प्रेम में लोक की रीति का कोई स्थान नहीं है। अगला छंद देखिए, कहिबे को व्यथा सुनिबे को हंसी, को दया सुनी के उर आनत है। कौन है जो मेरी स्थिति को, हमारे प्रेमी की स्थिति को सुनकर देखकर अपने मन में दया लाए, कोई दया नहीं करता। कहिबे को व्यथा सुनिबे को हंसी, और अपनी विरह वेदना किसी को कहें, किसी को प्रेम की अपनी अनुभूत बातों को बांटें तो हंसी और उड़ाते हैं लोग। रहीम कहते हैं कि सुनी इठ लइए लोग सब, बाँट न लइए कोई, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुनी इठ लइए लोग सब बाँट न लइए कोई। तो कहिबे को व्यथा सुनिबे को हंसी, किसी से अपने प्रेम की व्यथा बताओ तो हंसी उड़ाते हैं। दया सुनिके उर, कौन है जो अपने हृदय में दया करेगा हमारी बात को पीड़ा को सुनकर। अरु पीर घटे तजी धीर सखी, और कोई ऐसा उपाय नहीं करता कि हमारी विरह की प्रेम की पीड़ा जो है वो कम हो जाए। दुख को नहीं कापे बखानत है, किसे बखान, किसके सामने बखान करें, किसे सुनाएं अपनी पीड़ा अपनी वेदना अपनी प्रेमानुभूति से जन्य जो जो वियोग है विछोह है विरह है विरह की अग्नि है, इसको किसे सुनाएं, कोई किसी के पास धैर्य नहीं है जो हमारी बात को सुन सके। कवि बोधा कहे मुसावाद कहा, और कवि बोधा कहते हैं कि फिर ऐसी बात किसी के सामने व्यक्त करने में क्या स्वाद है, क्या आनंद है, कोई आनंद नहीं है। सवाद कहा को हमारी कही पुनिमानत है, और कौन है संसार में जो मेरे कहे पर मेरी बात पर भरोसा कर ले, मेरी बात को मान ले। हमें पूरी लगे कि अधूरी लगी, यह जीव हमारो ही जानत है। मेरी जो व्यथा है मेरी जो पीड़ा है उसे आप पूरा मानो अधूरा मानो जो भी है, लेकिन ये जीव मेरा जो है ये तो इसे अच्छी तरह जानता और समझता है, यही जानता है कि इसकी वास्तविक वेदना पीड़ा क्या है, बाकी कोई इसमें शामिल नहीं होगा, उसकी तरफ कवि संकेत करता है। तो हम देख सकते हैं कि बोधा की कविता में जो एक सौंदर्य है, जो एक विरह प्रेमजन्य विरह और जिसे प्रेम की कसौटी भी कहा जाता है, उसकी सात्विकता है, वो वास्तव में विलक्षण है, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग भी करती है।